महाराज जी यहाँ पर कुछ तोड़ रहे हैं, देखते हैं कि क्या है। सीताराम महाराज जी, सीताराम महाराज जी क्या तोड़ रहे हैं? ये भाजी तोड़ रहे हैं बनाने के लिए। अच्छा, जंगली पौधा है। अच्छा, पत्थर चाटा इसको कहते हैं, साहस मुरिया। अच्छा हाँ, तो इसकी तोड़ के भाजी बनाएंगे। हाँ, इसकी भाजी बनाएंगे। अच्छा हम्म, ये देखे दोस्तों महाराज जी हैं। अब भजन साधना हो गई महाराज जी? हाँ, सब कुछ काम पूरा हो गया। अच्छा, पूजा पाठ कंप्लीट? हाँ, सब हो गया। अब पेट पूजा के लिए तैयारी हो रही है? हाँ, पेट पूजा के लिए तैयारी बन रही। तो महाराज जी इस तरह जंगलों से पत्तियां तोड़कर बनाते हैं? हाँ, पत्तियां तोड़कर हाँ इसी की सब्जी बनाते हैं। अच्छा हाँ, हम ज्यादा कोशिश नहीं करें बाजार की सब्जी का। अच्छा, बस यहीं की। अच्छा, तोड़ के सब्जी बना ली, हल्या हो गया। काफी बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं महाराज? हाँ, काफी बड़े बड़े पौधा हैं, बड़े बड़े पौधा हैं, पत्थर हैं। हाँ, सब कुछ है यहाँ। फल फूल की वृक्षा है, आम, महुआ, जामुन। तो महाराज जी अकेले रहते हैं जंगल में? जी अकेले। अच्छा हाँ। तो महाराज डर नहीं लगता यहाँ? हाँ हाँ, यहाँ कोई डर नहीं लगता। अच्छा, जानवर तो आते होंगे महाराज? जानवर आते हैं, लेकिन उनसे हमसे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, न कोई मतलब रखते किसी से। अच्छा हाँ, जीव जंतु है, अपने रंग में वह रहे हैं, हल्ला होगा हम वह रहे हैं। इधर पहाड़ है महाराज जी? हाँ, यहाँ एकदम बेहड़ पहाड़ है। हाँ, एकदम पर्वत है। अकेले कुटिया है महाराज जी? अकेले कुटिया है। हाँ, कोई आ गया तो स्वागत है। हाँ हाँ, और नहीं आता तो कोई जरूरी नहीं है। अच्छा हाँ, काफी बच के चलना पड़ता है महाराज जी। हाँ, अब यहाँ कांटा खूंटी जंगल है। हाँ, ये महाराज जी काहे का पौधा आपके कुटिया में है? ये पौधा आंची का है। अच्छा, यह फूल से 12 महीना फल भी लगता है। अच्छा, इस तरह का फूल इसका होता है। अच्छा, ये फूल है? हाँ, फूल के लिए लगाया जाता है? फूल के लिए, यह अपने मन से खुशबू देता रहता है। अच्छा, मतलब महकत रहता है। अच्छा बहु खुशबू वाला वृक्षा। अच्छा हाँ, ये भगवान विष्णु भगवान की बहुत प्रिया वृक्षा। अच्छा ये कंडायल का फूल है, सब ला पीला वाला। अच्छा हाँ, सब आप कुटिया में लगाए हुए हैं हाँ महाराज? सब लगे हैं वृक्षा। पहले कुटी हमारी पुरानी यहाँ थी। अच्छा, ये जितनी देवी वो भी निकली है प्रकट की। अच्छा सब यही की है। अच्छा पाती हो गई महाराज जी? हाँ, पाती हो गई। अच्छा अब चल रहे हैं कुटिया की ओर। अच्छा तब इसको बनाएंगे। हाँ हाँ हाँ, ये पत्थर चाटा है ये। कौन सा महाराज जी? ये अच्छा, हाँ, जंगली। तो इससे कुछ औषधि है कि खाली भाजी के लिए? नहीं, ये औषधि भी है। अच्छा, ये काम भी करती है, जैसे पथरी है, बवासीर है, अच्छा उसमें काम करती है। अच्छा कहो के कुछ कुल्हरी हसिया लाग जा हाँ हाँ तो घाव का भर देती है बहुत जल्दी। तो भाजी में भी इसका उपयोग होता? हाँ, भाजी में भी प्रयोग होता है। तो महाराज जी जैसे कुल्हाड़ी लग गई तो कैसे इसका प्रयोग करते हैं? इसको बांट कहनी, हाँ और एक और चारा हुआ तो उसको तीन पतिया कहते हैं। अच्छा उसी का मेज कह के ये रख दो, चाहे कई सौ घाव हो, तीन चार रोज में घाव का अच्छा बिल्कुल खत्म कर देगा। अच्छा हाँ, घाव का नाम निशान नहीं रह जाएगा। अच्छा ये देखे दोस्तों, ये पत्थर चट्टा इसको बोलते हैं, इस पौधे को महाराज जी तोड़ रहे हैं, इसकी भाजी बनाएंगे। अच्छा महाराज जी, भाजी भर बनाते हैं कि और कुछ बनाते हैं, रोटी वोटी? मैं भाजी बना लिया, जो आटा पिसान है तो टिक्कर बना लिया, नहीं तो भाजी भर चल गई। अच्छा, कोनो जरूरी नहीं है कि मतलब और कुछ हो। मांगने जाना कोई जरूरी नहीं है, जाते भी नहीं?
हम यहाँ रहते 35 बारिश हो गए। अच्छा, हमारे तक किसी के दरवाजे नहीं गए मांगने के। अच्छा अच्छा, बस यहीं का आती पाती जो है तो बना कर अच्छा पा लेंगे बस आराम से। अच्छा, अपन रहते ये बेल पत्र है महाराज जी। बेल पत्र है। अच्छा अच्छा पत्ती इसकी तोड़ेंगे, इसके चाह में फिटारेंगे इसकी पत्तियां। अच्छा तुलसी है ये, इसको चाह में डाल कर पीते हैं। अच्छा, चाय में मतलब बेल पत्र भी डाल देते हैं। हाँ, बेल पत्र डाल दिया। अच्छा, और तुलसी काली चाय बनाते हैं। अच्छा, औषधि। यहाँ महाराज जी इस तरह के मतलब खरपतवार हैं तो कोई सर्प बिच्छू इस तरह के जानवर नहीं रहते? रहते हैं, अपने छिके लिके रहते हैं। अच्छा, तो आपसे बोलते नहीं हैं? नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, इसी का हम जान कर रखे रहते, फिर अपने समय से आयरन खत्म हो जाएगा। तो उनके छिपने के लिए अच्छा यहाँ पर आनंद से रहा। ये गुड़हल है महाराज जी? गुड़हल है। अच्छा हाँ, गुड़हल का बिरछा है। अच्छा महाराज जी, ये ऊपर जो नीला वाला फूल है उसको क्या बोल? विष्णु कांति। विष्णु कांति। हाँ अच्छा, तो मतलब ये भी अच्छा फूल होता है? हाँ, अच्छा फूल होता। अच्छा, विष्णु जी के नाम से है? हाँ, विष्णु जी के नाम से। ये देखे दोस्तों, एक फूल इसमें ऊपर लगा हुआ है, नीले कलर का फूला हुआ है। महाराज जी ने बताया कि विष्णु कांति फूल है। ये देखिए, ये फूल है। आपके यहाँ इस फूल को क्या बोलते हैं आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। इसको मीठी नीम कहते हैं। और अच्छा, ये सब्जी में पड़ती। अच्छा, सब्जी है, काढ़ी बनाओ कुछ बनाओ तो इसमें डालने से? हाँ, बढ़िया खट्टा टमाटर हो ना हो। हाँ हाँ, खट्टापन देती है। अच्छा हाँ, ये देखे दोस्तों, मीठी नीम है, महाराज जी ने तोड़ा है आश्रम के। तो इसको भी भाजी के साथ डालेंगे महाराज? इसको भी डालेंगे भाजी के साथ। अच्छा, और महाराज जी क्या तोड़ेंगे? हम बस हो गया, जो होना रहा तो होगा, अभी हो है। अतूत का बिरछा। अच्छा, फल है इसमें, इसे शहतूत बोलते हैं। इसको खाना खाया जाता फल भी लगे। तो फल तो महाराज जी दिख नहीं रहे अभी? हाँ, मतलब हाँ, कहीं कहीं लगे हैं। हाँ, एक दो लगे हैं, कहीं कहीं दिखाई दे रहे हैं। गर्मियों में फरता है महाराज जी? गर्मी। अच्छा, सिद्धि गुलाब का वृक्षा है ये। कहे कहे महाराज जी? ये सिद्धि गुलाब है, सफेद फूलता है। अच्छा, अब एक बार फूल गया फिर फूलेगा। अच्छा, इसको सिद्धि गुलाब बोलते हैं? सिद्धि गुलाब बोलते हैं। अच्छा हाँ, तो अभी तो फूल नहीं लगे महाराज जी? हाँ, फूल नहीं लगे, डोरी लगी। अच्छा, देखिए दोस्तों कितना सुंदर एवं रमणीक आश्रम है महाराज जी का। ये हरदी का बिरछा है, और ये है जो तो वो है। अच्छा, हल्दी महाराज जी आप यहाँ लगाए हैं कि अपने से जमी है? नहीं, लगाए गए। अच्छा, महाराज जी आश्रम में हल्दी भी लगाए हुए हैं। देखिए दोस्तों, आपने शायद देखा नहीं होगा, हल्दी का पौधा है ये। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी पाती है, केला जैसी। ये सुदर्शन है। अच्छा, ये सुदर्शन मतलब फूल उल होता है कि? फूल भी होता है, कान वान में दवाई में डारा जाता। अच्छा, जैसे दर्द वर्द किया? हाँ, कान पिरात है। हाँ, कैसो कान पिरात हो तो ये दर्द में काम करत। अच्छा, ये सुदर्शन का ये पौधा, इसको सुदर्शन बोलते हैं महाराज जी? सुदर्शन है। अच्छा,
तो इसकी पत्ती को बांट के इसका रस डाला जाता है। रस डाला जाता है तेल में चुराई का। अच्छा, चुराना पड़ता है। सरसों के तेल से चुराई का। हाँ हाँ, तो डाला जाता है। अच्छा हाँ, सुदर्शन है। तो इस तरह की जो औषधियाँ हमारा जी, तो ये बरसात में ही उगती हाँ, है कि बरसात में? अच्छा, बाकी सब मतलब गर्मी में सूख जाते हैं। ये सफारी का पौधा है। अच्छा, तो आप लगाए हैं इधर? हाँ, लगाए हैं। अच्छा, कई वृक्ष हैं छोटे छोटे। अच्छा, सफारी है। अच्छा, ये जंगली वृक्ष है, सागवान है। अच्छा, ये सफारी का वृक्ष, ये तुलसी हो गई, राम तुलसी। अच्छा, तुलसी भी? तुलसी तो महाराज जी सब संतों के आश्रम में मिल जाती है। हाँ हाँ, तुलसी काफी मात्रा में मतलब रखते हैं। तुलसी रोज लगते हैं। हाँ, ये कटहर का तुलसा। अच्छा, आप लगाए हैं इसको? हाँ, वो भी कटहर। और इधर आम भी महाराज जी लगा? आम का भी इच्छा है। ये आंवला है। आंवला भी लगाए हैं। हाँ, यहाँ केला नींबू सब लगे। तो महाराज जी जो पेड़ आप लगाए हैं, हाँ, तो इनकी सेवा भी करनी पड़ती है? तो आप भजन साधना करते हैं फिर इनकी सेवा भी करते हैं? हाँ, अब इनका सेवा बस तीन है, देख रख। अच्छा, और इन सब समर्थ था। अच्छा हाँ, कोनो विशेष सुविधा करने की जरूरत? हाँ, कोई नहीं, ये भी सुदर्शन है। हाँ, ये बेल का वृक्ष है। बहुत ही रमणीक स्थान महाराज जी का है। महाराज जी सीधा अपने कुटिया की ओर जा रहे हैं। ये देखे दोस्तों, महाराज जी की कुटिया है। महाराज जी भाजी तोड़ के, फूल पत्ती तोड़ के अपने आश्रम में आ गए हैं। महाराज जी, कुटिया आपके ऊपर से क्या डाले हैं? इसमें कांसा कुसा पड़ा। अच्छा, कांसा कुसा से बनाए हुए हैं, तो इसमें पानी नहीं महाराज जी नीचे आता? नहीं, पानी नहीं आता। अच्छा, चाहे कितना भी पानी हो? कितना पानी हो। अच्छा, अंदर नहीं? अच्छा। ये देखे दोस्तों, कुटिया के पीछे पहाड़ों के दृश्य देखने को मिलते हैं। इस तरह के पहाड़ों में पक्षियों की आवाज सुनने को मिलती है। ये हवन का वृक्ष। हवन का महाराज जी? हाँ। अच्छा, मतलब इसमें कैसे किया जाता है? इसको गुगुर बोला जाता। गुगुर? हाँ, ये वृक्ष में गुगल। हाँ, हवन हवन की जाता। अच्छा, खुशबू भी देता है। अच्छा, आतार के जैसे। हाँ, तो मतलब सेंट जैसी खुशबू। हाँ, आती है इसमें। हाँ, हाँ। दिखाइए महाराज जी, ये तो गुगल का पौधा है। महाराज जी ने बताया कि ये हवन में उपयोग किया जाता है। हाँ, हवन में। हाँ महाराज जी, खुशबू तो इसमें आ रही बढ़िया। खुशबू दे रहा। तो ये महाराज जी, इसको जैसे हवन करना है तो कैसे इसका प्रयोग करते हैं? बस इसको हवन कुंड में डाल दो, हवन का ही चलो। तो पहले तो तोड़ के इसको सुखाना होता महाराज जी? हाँ, सुखाना पड़ता है। अच्छा हाँ, पीछे महाराज जी अपने मदार देव मदार लगाए थे, ये पूजा में आता है? शंकर जी प्रसन्न हो थे, चाहे जाऊन देवता हो। अच्छा, बिगाड़े हैं तो सब प्रसन्न हो जाते। अच्छा हाँ। और ये महाराज जी जो कुटिया है आपकी, इसको मतलब ऊपर ये क्या बोलते हैं इसको, कांसा कुसा? हाँ, कांसा कुसा से। एक बार जब बना देते हैं तो कितने साल के लिए हो जाता? दसन बारिश चलती। अच्छा हाँ, कई बारिश में मतलब इसका रिपेयरिंग करना पड़ता। अच्छा, अब पानी बिल्कुल नहीं आता? हाँ, पानी नहीं आता। अच्छा, ये देखे दोस्तों, महाराज जी अपने कुटिया में पन्नी भी नहीं डाले हुए हैं, चारों तरफ से एक दीवार खड़ी किए हैं और ऊपर से कांसा और कुसा का से ढके हुए हैं।